Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to the channel. तो बताइए कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और आज मैं आप लोगों के साथ होम जो फर्नीचर है हमारा उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने बहुत बार बहुत तरीके से लैमिनेशन चेंज करना, लैमिनेशन को किस तरह से हम लोग उसका मेकओवर कर सकते हैं मैंने शेयर किया है. आज मैं आप लोगों की कुछ सवालों के जवाब भी मैं दूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट जब मेरा बेडरूम मेकओवर शेयर किया था उसमें मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो मैंने सोचा कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने लैमिनेशन को किस किस तरीके से चेंज किया है. तो सबसे पहले मेरा जो टीवी यूनिट था ये ब्लैक कलर का था, ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा डिजाइनर था. तो ब्लैक कलर जब हम लोग घर का उडवा करवाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को स्टार्टिंग में. उसके बाद वो कुछ भी कलर हो, मतलब कोई सा भी आपका फेवरेट कलर हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि काश मैं इस मतलब फर्नीचर को, इस अलमारी को या ये शोपीस को चेंज कर सकूं, थोड़ा सा इसके ऊपर मेकओवर कर सकूं, टोटल चेंज नहीं थोड़ा सा मेकओवर कर सकूं. बहुत दिनों के बाद मैंने अमेजोन पे बहुत कुछ सर्च किया तो फाइनली दुर्गा पूजा के पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो फाइनली मुझे एक वॉल स्टिकर मिला जो कि डिज़ाइनर है. मैंने बहुत बार देखा है कि ये वॉल पे लोग स्टिक करते हैं और मुझे तब लगा कि जब ये वॉल के ऊपर स्टिक होता है तो क्यों ना मैं इसको टीवी यूनिट पे स्टिक करूं. लेकिन वो डिज़ाइन जो मैंने पहली बार देखा था ना वो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे टीवी यूनिट के ऊपर जाएगा. उसके बाद हमने बहुत सर्च किया अमेजोन पे, तब जाके हम लोगों को ये डिज़ाइन मिला. ये जो डिज़ाइन है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग एक हटके लुक दे रहा है, सिंपल से तो बहुत हटके एक लुक दे रहा है. तो ये देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा. ये स्टिकर जब हमने पूरे हमारे टीवी यूनिट पे लगाया तो टीवी यूनिट एकदम से चेंज हो गया. मतलब एकदम से होता है ना कि एकदम लो बजट में हमारा टीवी यूनिट का एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, बहुत बड़ा मेकओवर हुआ. तो ये देख के हम लोग बहुत खुश थे और आप लोगों के साथ शेयर करके भी हम लोग बहुत खुश थे कि किस तरह से हम लोग लो बजट में हमारा टीवी यूनिट को मेकओवर कर सकते हैं. टीवी यूनिट क्यों, कोई सा भी अगर लेमिनेशन हो आप चेंज कर सकते हो. वो वार्डरोब हो सकता है, टीवी यूनिट हो सकता है, आप चाहो तो किचन में भी अप्लाई कर सकते हो. वो किचन या वार्डरोब के लिए दूसरे टाइप का भी आप वॉलपेपर यूज कर सकते हो. बाद जब मैंने ये ट्राई किया तब मुझे लगा कि मैं मेरे फ्रेंड के लिए कुछ नया लेके आओ. तो जब मैं बेडरूम का मेकओवर कर रही थी तब मैंने सोचा कि नहीं, लैमिनेशन नहीं, मैं कुछ और करती हूँ क्योंकि और भी कुछ ट्राई करना चाहिए. तब मैंने क्या किया, पेंट का अप्लाई किया. लोगों ने कोई भी प्राइमर ट्राई नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, हमने बोला कि पेंट से ही करते क्योंकि मेरे घर में पेंट था. अगर आपके घर में पेंट आप खरीद रहे हो तो प्राइमर से भी फर्स्ट कोट डाल सकते हो, लेकिन प्राइमर डालने के बाद भी आपको डबल कोट डालना पड़ेगा पेंट का. तो मैंने पेंट से ही स्टार्ट किया था. मैंने रफली पेंट किया, एकदम से रफली एक पेंट किया. लेकिन पेंट अगर आप कर रहे हैं तो ब्रश से बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रश से पेंट करने से ना वो नहीं होगा. आप जो रोलर मिलता है ना, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. जो पेंट मैंने यूज़ किया है, जिस जिस चीज़ों का मैंने यूज़ किया है, सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ. तो इस तरह से मैंने इसको रफली पेंट किया है और एक बार पेंट करने के बाद इसका कलर जो है इतना अच्छा नहीं आया था. जब मैंने सेकेंड कोट अप्लाई किया, लेकिन हाँ एक बात मैं बताना चाहूँगी, फर्स्ट कोट जब हमने अप्लाई किया उसको ड्राई होने में 2 दिन टाइम लगा, क्योंकि ये घर के अंदर की बात है, मतलब घर के अंदर है, हवा बिल्कुल नहीं आ रहा था. फिर भी हम लोगों ने विंडो ओपन करके रखा था, फैन ऑन करके रखा था, लेकिन पेंट को ड्राई होने में 2 या 3 दिन, हाँ 3 दिन तो मेरा मिनिमम लगा था. उसके बाद हम लोगों ने 5 डेज के बाद सेकेंड कोट हम लोगों ने अप्लाई किया था, क्योंकि 5 डेज में वो पूरा सूख गया था. तो जब तक पूरा ना सूखे आप सेकेंड कोट अप्लाई मत कीजिए.
तो हम लोगों ने सेकेंड कोड 5 दिन के बाद अप्लाई किया था और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से टोटली चेंज हो गया है, जो कि देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक ऐसी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, ये भी मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा YouTube पे स्टार्ट ही मैंने उस तरह से किया था। मेरा फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे है, मेरा कॉर्ड DIY। मैंने एक सिंपल सा कॉर्ड था, उसको मैंने पेंट करके एकदम से उसका मेकओवर किया था। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि दीदी आपने कॉर्ड कहाँ से लिया है। मैंने ये कॉर्ड जो है जिसका मैं मेकओवर कर रही हूँ, ये कॉर्ड हमने एकदम लोकल एक शॉप से लिया था, ये गिफ्टेड है ये कॉर्ड, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करना चाहते थे। तब हमने सोचा कि चलो इसका मेकओवर करते हैं। सो पेंट आपका जो फर्नीचर है उसको टोटली चेंज कर सकता है। मैंने सोचा कि चलो जब मैंने कॉट को मैंने मेकओवर किया है तो मैं लैमिनेशन के ऊपर भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि कॉट एक अलग चीज है, वुड है, वुड के ऊपर पॉलिश था तो हमने घिस के उसको पेंट किया था। कुछ ऐसे भी फर्नीचर है जो हम लोकल मार्केट से लेते हैं, कुछ कुछ हम लोग ऑनलाइन पे भी शॉपिंग करते हैं, तो इस तरह के कुछ फर्नीचर जैसे एक सूरैक को मैंने इसी पेंट से पेंट किया था, और सिमिलरली मेरी डॉटर की जो बुक सेल्फ है उसको भी मैंने पेंट किया है, वो भी इस टाइप का ही कलर पे था, ब्लैक कलर पे, तो मैंने उसको वाइट कलर में किया है। तो इस तरह से ये पेंट अप्लाई करके मैंने बहुत सारा फर्नीचर ऐसा है जिसका मेकओवर किया है, जिसका लुक टोटल चेंज किया है। ये बहुत अच्छा एक पेंट है और एक शाइनी लुक भी आता है इससे। लैमिनेशन के ऊपर पेंट ट्राई करना मतलब एक तरह का एक्सपीरियंस ही हुआ है हम लोगों को। सो जब मैंने ये वीडियो डाला तो मेरे काफी सारे फ्रेंड ने कमेंट्स किया कि दीदी क्या हम लोग इसको किचन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं एक चीज बता दूं कि किचन में हमेशा क्या होता है ना, हम लोग जब ऑयली खाना बनाते हैं तो ऑयल जाके लैमिनेशन के ऊपर चिपकता है। तो जब हम लोग पेंट को अप्लाई करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं जब किचन का लैमिनेशन होता है ना, हम लोग थोड़ा सा थिनर देके उसको क्लीन करते हैं पेंट, लेकिन पेंट भी हम लोग थिनर से क्लीन करते हैं। तो बाय चांस अगर आप पेंट को थिनर से क्लीन करेंगे ऑयल की वजह से, तो पेंट खराब हो सकता है। तो आप इस जगह को अवॉइड कीजिए जहाँ पे तेल चिपकता है लैमिनेशन के ऊपर, जिस लैमिनेशन के ऊपर तेल चिपकता है वहां पे पेंट को अप्लाई करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप वहां पे वॉलपेपर, वॉल स्टिकर अप्लाई कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या हो ना, आप एक वेट कपड़े से उसको क्लीन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया है मतलब पेंट के ऊपर ऑयल को किस तरह से क्लीन किया जाता है। सो मैं बोलूंगी कि आप उस जगह में एक वॉल पेपर या वॉल स्टिकर को अप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किचन के लिए बहुत सारे वॉल पेपर वॉल स्टिकर आते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो इस तरह से अगर आप घर का मेकओवर करना चाहते हो तो बहुत ही लो कॉस्ट में हो जाएगा और आपका घर जो है एक अलग ही लुक क्रिएट हो जाएगा आपके घर का। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है और अभी का वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना चेंज हो गया है मेरा लिविंग रूम, मेरा बेडरूम। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो अपने लैमिनेशन को चेंज। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ा बहुत अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।